पिस्टल, मर पिस्टल, मर पिस्टल, मर पिस्टल। चुनावी रंजिश व वर्चस्व को लेकर मोरसराय सासाराम में मारपीट, गोलीबारी के दौरान दर्जन भर लोग घायल। हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त की बड़ी खबर में बता दूं कि गुज़श्ता दिन रोहतास जिला के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरसराय सासाराम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हॉकी व गोलियों की तड़तड़ाहट होने लगी। घायल महेंद्र कुमार सिंह ने सदर अस्पताल सासाराम में बताया कि चुनावी रंजिश तथा वर्चस्व को लेकर मोरसराय सासाराम के एक पक्ष ने दरवाजा पर पहुंच वाहन के शीशे तोड़ डाले, पूछने पर मारपीट करते हुए गोली चलाने लगे। आगे उन्होंने बताया कि 5 राउंड गोली चलाई गई है। मारपीट तथा गोलीबारी के दौरान दोनों पक्षों से करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज निजी व सरकारी चिकित्सालय में कराया गया है। घटना में गाली ग्लौज, मारपीट, फायरिंग का वायरल वीडियो प्रमाण के लिए काफी है, जो डेस्कटॉप पे मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। दो पक्षों के दौरान जो मारपीट हुई और फायरिंग की गई है, हालांकि मैं वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वायरल वीडियो में फायरिंग के आवाज़ के साथ साथ एक हथियार भी नज़र आ रहा है साफ तौर पर, जिसके जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि वीडियो सही है या नहीं। हम लोग कल चुनाव में थे, ये लोग बहुसंख्यक है, रोड को फायरिंग भी किया गया जिसका वीडियो हमारे पास है। कितना राउंड फायरिंग हुआ है? फायरिंग हुआ है 5 राउंड। ये लोग जो हैं, हम लोग को दबा, हम लोग जब गाड़ी लेकर FIR करने आए, करीब 200-250 संख्या में आ गए बहुसंख्यक। ये लोग हम लोग का गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दिया है, लोग थाना पे नहीं पहुंचने दिया, बंधक बना लिया था। अभी थाना प्रभारी आए तो हम लोग को जांच के लिए, इलाज के लिए यहाँ पे सदर हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर लेकर। सासाराम से संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट के साथ बने रहिए RBC चैनल पर, हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।